लास्ट ब्लॉग में आपने देखा हमने काबिनी बैकवाटर के साइड में कैंपिंग किया। बहुत ही सुहाना मौसम था, हमने रात को कैंप फायर किया, खाना बना के खाए भी, सोने के लिए गए, लेकिन आधे घंटे के बाद पूरा साइक्लोन जैसा माहौल हो गया, थंडरस्टॉर्म। तो रात तो हमने कैसे कैसे करके गुजार लिया, अभी आप सुबह का नज़ारा देखिए। नमस्ते, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत आपको स्वागत करता हूँ लाइव टू एक्सप्लोर में। हम हैं काबिनी रिजर्वर का जो बैकवाटर है उसके आसपास हम कैंपिंग कर रहे हैं। आप पिछले ब्लॉग देखे रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि कैसा चैलेंजिंग रहा। मतलब हम इधर पहुँचे 5 o'clock, सब कुछ आराम से हो गया, मतलब हमारा खाना पीना, इवन कैंप फायर किया, सब कुछ किया, खा भी लिया। उसके बाद जैसे ही हम कैंपर वैन के अंदर गए और आयुष्मान राजेश हमारे साथ, मेरा भांजा भी है, तो आयुष्मान राजेश दोनों टेंट के अंदर गए। आधा घंटा हम ऐसे ही रेस्ट कर रहे थे, अचानक से पूरा तूफान, बारिश, थंडर, लाइटनिंग, मतलब क्या ही क्लाइमेट, मतलब वेदर एकदम चेंज। थोड़ा टाइम हमको लगा कि ये तो वैसे केचुआ का टेंट है, पूरा हाई क्वालिटी टेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो मतलब हवा झेल सकता है, लेकिन वो हवा ना एकदम कंट्रोल से बाहर। इतना सारा पिन लगा के मैंने पूरा स्टेडीली इसको मतलब लगाया था, फिर भी कुछ काम नहीं आया। वैसे निकला तो नहीं कुछ, लेकिन इतना तेज़ हवा चल रहा था कि मतलब पानी अंदर जाना शुरू हो गया धीरे धीरे। फिर हम सब लोग शिफ्ट हो गए कैंपर वैन में, और इतना छोटा सा जगह है, राइट, कितना, चार जन तो फिट नहीं हो सकते। तो हम तीन पीछे सोए और एक सीट को पूरा रिक्लाइन करके राजेश वो ये साइड सोया। फिर भी उसको तो ऑब्वियसली नींद नहीं आया रहेगा, हमको मतलब हमको भी 3-4-5 बार ऐसा टूटा, नींद टूटा। क्या करेंगे, कैसे कैसे करके तो मैनेज हो गया, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं है। कैंपिंग का जो मज़ा लेना था वो मज़ा तो हमने ले लिया, और ये एक्सपीरियंस ज़िंदगी भर याद रहेगा। क्यों ना? मतलब ऐसा एक्सपीरियंस सच में कभी नहीं भूलेंगे हम लाइफ में। और ये डरावना वाला एक्सपीरियंस नहीं था, हमको भी लग रहा था कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता ये टेंट उखड़ के उड़ जाता और कुछ नहीं होता, हमारे पास तो गाड़ी था। यही ना एक मेजर डिफरेंस रहता है टेंट और कैंपर वैन मेटल वाला बॉडी में। मैं ना थोड़ा कन्फ्यूज था रूफटॉप टेंट के बारे में, मुझे ऐसा लग रहा है कि रूफटॉप टेंट भी नहीं काम आता, कल जैसा हालत हुआ। जोर से हवा चल रहा था ना, वो भी उड़ जाता। नहीं, वो स्टडी रहता है, वो उड़ेगा तो नहीं रूफटॉप टेंट, लेकिन पानी जरूर आता अंदर, मतलब कैसा भी करो। हाँ। ये देखो पूरा ऐसा सपेट ऐसा फ्लैट हो जा रहा था, मतलब ये फाइबर ग्लास का पोल्स रहता है, राइट, इतना स्ट्रांग रहता है, वो होने के बाद भी इतना हो रहा था, तो रूफटॉप टेंट में भी पानी जाता ही जाता था। तो वो अभी सोचने में डाल दिया मुझे, क्या करूँ, मतलब फ्यूचर में अगर रूफटॉप टेंट वाला ट्राई करूँ तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसा सिचुएशन अगर होगा तो ऑब्वियसली इमीडिएटली रूफटॉप टेंट को फोल्ड करके गाड़ी के अंदर बैठ जाना है, वो कर सकते हैं अगर रूफटॉप टेंट लेना है तो। तो अभी फ़िलहाल जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला काम तो रहता ही है, हम क्लीन कर रहे हैं, बर्तन सारे ऊपर डाल दिए थे गाड़ी के ऊपर, क्योंकि रात को कुत्ता वुत्ता कोई भी जानवर आ सकता है, तो जो कुछ भी बर्तन सब गाड़ी के ऊपर था। अभी हम जस्ट उठे थोड़ा टाइम में, राजेश अभी भी सोया हुआ है गाड़ी के अंदर, और सुबह सुबह गाय का झुंड। पंछियों का आवाज़, गाय का झुंड, कुत्ते सब आ गए। भाई आयुष्मान सुसु गया, बताओ उसको गाली दे रहा है डॉग को, तेरे गाड़ी में सुसु गया करके, वो कहेगा डॉग का काम है, तू कैसा हरकत करता रहता है, तू सुनता नहीं ना, तू भी ना, वो डॉग का वैसे ही हरकत है, नॉर्मल हरकत है वो डॉग का, नथिंग रॉन्ग इन दैट। आप भी सुबह सुबह का नज़ारा देख लीजिए, एक एरियल व्यू, ड्रोन शॉट, ये पूरा जगह कैसा दिखता है, और मतलब हमको कैसा फील हुआ रहेगा,
एक अंदाज़ा आप लगा सकते हो। रात को तो मतलब क्या ही बोले, वो एक्सपीरियंस पे मतलब पहले पहले तो वैसे तारों को देख के इतना मज़ा आ रहा था, फिर तारों तो मतलब इधर गायब ही हो गए क्लाउड की वजह से। तो वंडरफुल लोकेशन यार, रियली वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, आप ये नज़ारा एंजॉय कीजिए। डुबकी लगाएंगे जाके लेक में। पानी वैसे इतना भी ठंडा नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वैसे हमारे पास तो टॉयलेट टेंट है ही लेडीज़ के लिए नहाने के लिए। आयुष्मान पानी लाने गया, और ये वाटर एकदम डीप है ही नहीं, पूरा दूर दूर तक चल के जाओगे तभी जाके डीप है। अभी रेडी होते हैं, फिर इधर से जाएंगे थिरुनेली। थिरुनेली टेम्पल है जंगल के बीचों बीच, मतलब एकदम से डिफॉरेस्ट होके हम कर्नाटका से निकलेंगे, केरला बॉर्डर होके केरला एंट्री करेंगे, केरला के अंदर है थिरुनेली, और ये बॉर्डर वाला जगह है, डीप फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ। वैसे अभी लेट हो जाएगा, हम जाते जाते 11 बज जाएगा, तो वाइल्ड लाइफ का तो एक्सपेक्टेशन कुछ है नहीं, बट फिर भी यार हमको तो बहुत मज़ा आता है जंगल के बीचों बीच ऐसा ड्राइव करना, और थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन तो रहता ही है कुछ वाइल्ड लाइफ दिख जाए वैसा, इसलिए हम इधर तक आए हैं। इधर से थिरुनेली कुछ 50 किलोमीटर रहेगा, तो सोच रहे हैं जाके आ ही जाएँ। और हमारा वैसे तो टॉयलेट टेंट रहता ही है गाड़ी में हमेशा, तो नहाने धोने कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहा धो के रेडी हो गई, अभी बाप बेटे जा रहे नहाने के लिए। वैसे भी हम जगह को पूरा क्लीन कर दिया, एक भी रफ और कुछ भी नहीं है। हम भी रेडी, हम भी नहा धो के रेडी, वो भी सीधा लेक वाटर, डैम वाटर, ठंडा ठंडा पानी। हाँ, इतना भी ठंडा नहीं है। ओह ऑल सेट, लेकिन टायर में ना बहुत हवा कम है यार, नया टायर है लेकिन हवा बहुत कम है, तो हम ये यूज़ कर रहे हैं, हमारा अभी काम में आ रहा है वो डिजिटल कंप्रेशर, तो इसको यूज़ करेंगे कार ऑन करके 12 वोल्ट सर्किट से ये पंप दे सकते हैं एक्चुअली। ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, पीनट बटर मायोनीज ब्राउन ब्रेड। गाड़ी भी ऑल सेट, प्रेशर चेक सब हो गया, हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया, अभी सीधा थिरुनेली। थिरुनेली महाविष्णु टेम्पल, इधर से कुछ कितना बोला, 65 या 68 ऐसा कुछ है, 2 घंटा दिखा रहा है, तो सीधा फोकस ड्राइविंग पे, आप नज़ारा का मजा लो, डीप फॉरेस्ट होके जाएंगे, तो वो भी एक अलग एहसास है। ऑब्वियसली अभी तो कुछ दिखेंगे नहीं, 10 o'clock हो गया है, तो पहुँचते पहुँचते 12 बजेगा,
और ये जगह पे ना सिर्फ इवनिंग को मजा है, पूरा दिन भर एकदम अभी तो इतना गर्मी स्टार्ट हो गया है कि पता नहीं पूरा, क्योंकि हवा बंद हो जाता है, सिर्फ इवनिंग को ही चलता है हवा, नहीं तो पूरा तेज धूप और एक भी पेड़ नहीं, तो सुबह मुश्किल है, मॉर्निंग के टाइम पे एकदम मुश्किल है, इवनिंग के टाइम पे 9 बजे तक ठीक है, 9 बजे के बाद पूरा पसीना पसीना शुरू हो गया। चलो लेट्स स्टार्ट। अभी हम फॉरेस्ट नेशनल फॉरेस्ट एंट्री किए, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नागरहले टाइगर रिजर्व है, उसके थ्रू जा रहे हैं, देखते हैं अभी वाइल्ड लाइफ दिखेगा कि नहीं दिखेगा। आई डाउट। सुबह सुबह नहीं दिखता है, अभी 11 बज गया। हाँ, 11 बजने के बाद तो नहीं दिखता है, अर्ली मॉर्निंग, वैसे अर्ली मॉर्निंग इधर छोड़ते नहीं रहेंगे, 6 बजे से 6 बजे तक, इवनिंग 6 बजे को गेट क्लोज, मॉर्निंग 6 बजे ओपन होता है, अगर 6 बजे के बाद आप आए तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ देखो इतना सारा, देख एंट्री होते ही दिख गया, ए हिरन यार, ये आयुष्मान ने इसको उठाओ, देख लो आयुष्मान हिरन, देख देखे ये देख कितना सारा, पूरा हिरन का झुंड, एंट्री जस्ट किया और दिख गया इतना सारा हिरन। बाप रे, टस्कर, टस्कर नहीं, ये टस्कर नहीं है इसमें, ये तो टस्कर नहीं, वो टस्कर है, ये टस्कर है, तीन हाथी और क्या, तुझे क्या लगा, इधर दो उधर एक, इधर दो इधर एक, ये देखो ये ना रियल वाला वाइल्ड एलिफेंट, हमने जो प्रीवियसली अभी थोड़ा टाइम पहले देखा था वो तो पालतू लग रहे थे क्योंकि वो एलिफेंट कैंप के पास थे, ये पूरा डीप जंगल के अंदर ये टस्कर है, वाओ खाना कर रहा है। कितना बड़ा टस्कर है यार, दांत देखो उसका, ओए ओए, इसलिए ना सब लोग रुक जाते हैं देखने के लिए। बाघो नहीं आयुष्मान, बाघ टाइगर हमको नहीं दिखेगा। वेलकम टू केरला, हम केरला एंट्री कर रहे हैं अभी। भाई लोग थोड़ा बहुत साइड दोगे क्या? वाओ बाय, गुड नाइट आयुष्मान, गुड नाइट बहुत ज्यादा बोलता है उसको सोना बहुत पसंद है ना इसलिए। पहुंच गए थिरुनली महाविष्णु टेंपल, पार्किंग के आसपास थोड़ा सा 100-200 मीटर चलना पड़ेगा, शायद बंद हो जाएगा मंदिर, देखना पड़ेगा, 12:15 हो गया, जाके आ जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह पे है एक्चुअली, पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है और वैसे भी हम तो पूरा डीप फॉरेस्ट होके आए। ना
दर्शन करके आ गए थिरुनेली महाविष्णु टेम्पल। टेम्पल प्रीमाइसेस में वैसे कैमरा अलाउड नहीं है, मंदिर का भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत बढ़िया बनने वाला है। और अभी खाना खाते हैं, टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12:45, 12:30 को एक्चुअली मंदिर क्लोज हो जाता है, तो उसके हिसाब से आप प्लान करके आना। चलो, हाँ चलो चलो, आयुष्मान को जल्दी भूख लग रहा है, खाना खाते हैं इधर। फुल हाँ, एकदम फुल है। ओके खाना पूरा मतलब होम जैसा सिंपल लगा, सबसे अच्छा वही है, क्योंकि इधर ना भीड़ बहुत ज़्यादा है और लिमिटेड ऑप्शन है खाने का, होटल का ऑप्शन ना बहुत लिमिटेड है। ऊपर एक था, हाँ। उधर बैठने के लिए भी जगह नहीं था, वो वेट क्यों करे करके नीचे आ गए। हाँ। छोटा सा होटल लेकिन बहुत बढ़िया टेस्टी खाना, सिंपल खाना। हाँ। बस घर जैसा ही मिला, बस हो गया। और टिपिकल केरला वाला मोटा राइस हो रहा था ना, बड़ा बड़े, वो तो अच्छा ही लगता है। वैसे आयुष्मान को पता नहीं, तुझे तो लगता है क्या वो? हाँ लगता है, लगता है। आयुष्मान भी एक्सप्लोरर बन गया पूरा, घूम घूम के हर टाइप का खाना ट्राई करता रहता है। पहले अच्छा नहीं लगता था, पहले अच्छा नहीं लगता था, घर पे अगर लेके आते थे ना हम एक्चुअली ट्राई करने के लिए ना, कभी कभार लेके आते थे वो केरला वाला राइस, लेकिन इसको नहीं पसंद आता था, लेकिन आजकल पसंद आने लग गया। ओके चलो, बच्चा बड़ा हो रहा है। अभी चलो सीधा फोकस ड्राइविंग पे, फिर से हम एक साइड से आए हम नागरहोल फॉरेस्ट का, अभी दूसरा साइड से वापस जाएंगे जो कि और डेंस फॉरेस्ट है, तो फिंगर क्रॉस्ड फॉर वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग। आराम से रेस्ट कर रहे हैं सब। आगे हमें उठा लो, हमने अभी वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो क्रॉस किया, थोलोपट्टी रेंज। वैसे वो जो टेंपल है वो भी वायनाड डिस्ट्रिक्ट में ही है केरला का, अभी थोड़ा ही आगे जाएंगे तो फिर से कर्नाटका बॉर्डर आ जाएगा, उट्टा करके एक जगह है। बेसिकली हम ना ऑलमोस्ट एवरी ईयर हम उधर आते थे, मतलब कोई ना कोई होम स्टे में आते थे, और नागरहोल नेशनल पार्क, ये वायनाड वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब घूमते रहते थे। अभी भी बहुत भीड़ है, शायद वो सफारी के लिए वेट हो रहा होगा, क्योंकि वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी सफारी है, तो 3 बजे शुरू होगा शायद, लोग उसी लिए वेट कर रहे होंगे। हमको तो वैसे रोज रास्ते पे ही दिख जाता है वाइल्ड लाइफ, हम जितने बार भी हिरन दिखे, हाँ हिरन फिर से दिखे, और हमने जितने बार भी सफारी गए हैं इतना कुछ तो लक, मतलब रोड में जितने जानवर दिखते हैं उतना ही दिखते सफारी हैं, सफारी में कुछ नहीं दिखते, उससे अच्छा है हम रोड में ही दिखे ले। देख लेंगे। ये लोग सो गया दोनों, एंटर कर गए हम कर्नाटका और कॉफी स्टेट चालू हो गया। वैसे केरला में भी है पूरा कॉफी स्टेट, फिर ब्लैक पेपर प्लांटेशन, नागरहोल नेशनल पार्क हमने एंटर किया। अभी 32 किलोमीटर को आपको 1 घंटे में पार करना है, नहीं तो 1000 रुपीज फाइन। तो इधर ही टाइम एंट्री टाइम लिख देते हैं और गाड़ी का नंबर लिख देते हैं, फिर आपको वो चेक गेट में ना वो चेक करेंगे आप कब, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राइट, लोग आराम से फोटो खींच के टाइम पास करके जाएंगे, तो फाइन तो देना ही है। और ये सफारी बस हिरन देखने के लिए, टाइगर भी दिख जाता है, लेपर्ड भी दिख जाते हैं, हमारा नसीब में कभी नहीं मिला अभी तक सफारी में देखने के लिए। एक्चुअली ना मॉर्निंग टाइम में जाएंगे तो और ज्यादा
चांसेस रहता है। क्लाइमेट भी अच्छा, क्लाइमेट अच्छा है लेकिन हाँ, तो हो सकता है दिख जाए ये लोग को। ऑल द बेस्ट गाइस। आयुष्मान ना पूछ गिन रहा है किसका कितना पूछ है। ये सिंग वाला है, वो सब छोटे छोटे हैं ना, इसलिए सिंग नहीं आए हैं। ढेर सारे हैं। क्या आयुष्मान एक पकड़ के लेके जाएंगे? ये देखो यार, और एक टस्कर दिखा, बहुत दूर है, जूम कैमरा में इतना हम कैप्चर कर पा रहे हैं। कितना बड़ा टस्कर है, रोड क्रॉस कर रहा है। ये बाप रे, जंगल का राजा जैसा ही है यार ये। चला गया अंदर, चलो हम भी चलते, नहीं तो एक घंटे में कवर नहीं कर पाएंगे, ऐसा देखते देखते जाएंगे तो फिर 1000 का फाइन। कल आते आते ना एकदम हम लेट हो गए, क्योंकि ये जो साइक्लोन हुआ सिर्फ वो जगह पे नहीं हुआ, पूरा एंटायर एरिया, मतलब वो जो मैसूर रोड में होके आए बहुत सारा पेड़ गिरा हुआ था, इवन बेंगलुरु में भी, नाइस रोड में, हमारा एरिया में भी बहुत सारा। और इसके चक्कर में पूरा जाम हो गया रोड, 2-2.5 घंटा एक्स्ट्रा लगा हमको टाइम, इसीलिए ब्लॉग तो एंड नहीं कर पाए, बाद में एंड कर। 11 या 12 बज गया। हाँ, लेकिन ओवरऑल बहुत ही मजा आया ट्रिप, मतलब जैसा प्लान था वैसा ही हुआ, लेकिन उसमें एक्साइटमेंट बढ़ गया वो सिचुएशन के वजह से। कोई डरने वाला बात तो था नहीं, मजा ही आया, सिर्फ राजेश का सोना थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। हाँ। क्योंकि इतना जन इतना छोटे गाड़ी में तो नहीं होगा, वो ही थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ, उसको नींद नहीं आया ठीक से, वो थोड़ा हुआ। ओवरऑल नहीं तो बहुत अच्छा ही रहा, वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग, टेम्पल जाके आए, महाविष्णु टेम्पल, ये सब एकदम बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी उतना ही मजा आया रहेगा जितना हम लोग को आया। नेक्स्ट वाला भी कैंपिंग वाला ही ट्रिप होने वाला है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मुझे लगता है ब्लॉग को यही एंड करना चाहिए, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।